हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन तज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि कोई भी काम जब आप करते हैं तो वो काम करने के पीछे दिमाग में जो अपना कॉन्वर्सेशन चलता है, जो अपने आप से हम बातचीत करते हैं कि वो काम हम क्यों करते हैं, तो वो क्यों के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। कोई भी हम काम करते तो हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में एक आवाज़ चलती रहती कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जैसा सपोज हम स्नान करते हैं तो हम स्नान क्यों करते हैं उसके पीछे कारण है कि भाई फ्रेश लगना चाहिए, बदन की साफ सफाई होना चाहिए, इसलिए हम स्नान करते हैं। खाना खाते हैं तो खाना क्यों खाते हैं कि भाई बॉडी को, अपने बदन को एनर्जी मिलना चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं। और कुछ समय हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमारी टेस्ट जो है, जीवा स्वाद, वो अच्छा आता है करके हम खाते हैं। जैसा हम पानी पूरी खाते हैं या भेल पूरी खाएंगे, तो भेल या हम पिज़्ज़ा खाएंगे वो इसलिए खाएंगे कि भाई हमको टेस्ट अच्छी लगती करके खाते हैं, मतलब उसके पीछे कारण ही टेस्ट अच्छी लगती है। हम काम कर जाते हैं तो काम करने के लिए क्यों जाते हैं? जो कर्मचारी उनको पूछा काम के लिए आप क्यों जाते हैं, तो बोलते कि नहीं हमको तनख्वाह मिलती है करके हम जाते हैं। जो बिजनेस मैन है उसको पूछा भाई आप बिजनेस क्यों करते, बोले क्या करना, घर चलाना पड़ता है, कमाई करनी पड़ती है, इसलिए हम काम के लिए जाते हैं। मतलब मेजॉरिटी लोगों का कॉन्वर्सेशन जो है, मेजॉरिटी लोगों की जो अपने आप से बातचीत होती रहती है कि जो भी आप काम क्यों करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका कुछ तो भी चलता है कॉन्वर्सेशन और उसके लिए वो काम करते हैं। जैसा बच्चों को पूछा कि भाई तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बोले स्कूल में जाते हैं, होमवर्क करना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई करते हैं। फिर होता क्या है कि जब उसके पीछे अच्छा उद्देश्य नहीं रहता, जब उसके वैसे उसके पीछे ऐसा अच्छा पर्पस नहीं रहता, वाई नहीं रहता, क्यों करना चाहिए, तब तक वो काम में फिर मजा नहीं आती, उसका दर्जा जो है वो अच्छा नहीं होता। बच्चों को हम बोलते पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, हम ये भी उसको बोलते हैं कि पढ़ाई कब कर, सुबह कर, शाम को कर, दोपहर को कर, किसके साथ में कर, अच्छे दोस्तों के साथ में कर, कौन सी कर, केमिस्ट्री कर कि फिजिक्स कर कि बायोलॉजी कर, वो हम बोलते हैं, कैसी कर, पढ़ के कर, समझ के कर, ऐसा, मगर पढ़ाई क्यों कर ये हम उसको बोलते नहीं हैं। और जब तक उसके दिमाग में क्यों कर ऐसा आता नहीं है, क्यों पढ़ाई क्यों, फिर उसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, रुचि नहीं आती। हर काम के पीछे, हर धंधे के पीछे यदि हमारा उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, भाई मैं वो क्यों कर रहा हूँ, वो यदि अच्छा रहा तो फिर वो काम में अच्छी अच्छा दर्जा तैयार होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने को भी मज़ा आता है काम करने में। मगर हम हमारे रोज के जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो काम करते हैं वो ऑटोमेटिक चालू है, लोगों को मालूम ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। ऑटोमेटिक सुबह उठना है, फ्रेश होना है, चाय लेना, फ्रेश होना, ब्रश करना, स्नान करना, काम पे जाना, घर पे आना, टीवी देखना, बच्चों को घुमाने ले जाना, शादी अटेंड करना, कोई मौत अटेंड करना, इधर जाना, बर्थडे पार्टी पर चल रहा है। काम करने का उद्देश्य लोगों को मालूम नहीं। जैसा कोई होटल वाला है, उसको पूछा भाई तुम होटल क्यों चलाता है, तो बोलते नहीं भाई पैसे कमाना पड़ता है इसलिए चलाता हूँ, घर चलाना पड़ता है इसलिए चलाता हूँ। मतलब वो ये नहीं बोलता है कि भाई लोगों को अच्छा स्वाद मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए, इसलिए मैं होटल चलाता हूँ, ऐसा नहीं बोलता। उसको वो मालूम ही नहीं, उसके पीछे वो कॉन्वर्सेशन है नहीं। तो हम हमारे कल्चर में, हमारे संस्कार में जो भी है वो काम करने का उद्देश्य क्लियर नहीं है, हम बताते ही नहीं किसको, हम सिखाते भी नहीं है कि भाई काम क्यों कर। तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो भी कुछ काम करेंगे उसके पीछे वो काम करने का उद्देश्य क्लियर करो, पर्पस क्लियर करो, वाई क्लियर करो, क्यों करना है वो। सो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। ज़्यादातर जो आपका कॉन्वर्सेशन है, ज़्यादातर जो आपकी बातचीत है अपने आप से कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, वो यदि आप छोड़ के काम बातचीत नहीं तैयार करते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो जो काम कर रहा हूँ उस वो काम करने के समय जिसके साथ में वो काम कर रहा हूँ, जिसके लिए काम कर रहा हूँ, उसको कैसा फायदा होगा। जैसा मैं होटल चला रहा हूँ
तो मेरे ग्राहक जो है उनको कैसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा, या मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट कैसा जल्दी अच्छा हो जाएगा, या मैं बिल्डर हूँ तो लोगों को अच्छा फ्लैट रहने के लिए कैसा मैं तैयार करूँगा। मतलब वही थी कॉन्वर्जेशन लोगों का, क्यों कर रहा, कि क्यों कर रहा हूँ मैं, और फिर लोगों के लिए कर रहा हूँ, पैसा तो आप ही आप आने का है, पैसा तो आप ही आप आ जाएगा। मतलब आप यदि जैसा भगवत गीता में हम कहा है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, भाई कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म के ऊपर आप ख्याल देते हो, कर्म बराबर करते हो, कर्म के ऊपर फोकस करते हो, और जिसके लिए वो कर्म करना चाहिए उसके लिए वो कर्म करते हो, ना कि पैसे मिलाने के लिए, तो फिर कर्म अच्छा हो जाएगा, फल तो आप ही आप मिलना है। जितना आप पैसे के पीछे भागोगे उतना पैसा दूर दूर जाएगा, आप उसके पीछे जाओगे। जितना आप काम के पीछे जाओगे कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, पैसा आपके पीछे आते जाएगा। तो आज से तय कर लो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ, उसका उद्देश्य, उसका पर्पस मैं बहुत ही ऐसा तैयार करूँगा पावरफुल, कि जिससे मुझे ताकत आएंगी वो काम करने के लिए। और आप देखिएगा, यदि आप वो पावरफुल कॉन्वर्जेशन रखते हो अपने दिमाग के पीछे कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, तो काम का दर्जा बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगी, आपका जो आत्म अभिव्यक्ति आपकी एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, काम कैसा फटाफट समय निकल जाएगा वो पता लगेगा नहीं, लोगों को मजा आएगा, आपको मजा आएगा। तो आज से ये तय करो कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपको खुशी के लिए, लोगों को खुशी के लिए कर रहे हैं, ना कि पैसे के लिए कर रहे हैं। जो भी लोग आपके दोस्त, आपके संपर्क में आने लोग, किसी को भी आप पूछो आप जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए, ऐसा आता होगा कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ या घर चलाने के लिए कर रहा हूँ, उसको ये वीडियो जरूर भेज दो, उसको ऑनलाइन वीडियो सुन ले। और आज से ये तय कर लो कि जो मैं काम करूँगा, जो काम कर रहा हूँ उसके प्रति मैं आस्था रखूँगा, वो काम उसके लिए करूँगा ना कि पैसे के लिए। पैसा तो आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो जो आपके संपर्क में उनको ये वीडियो शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।